हे एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ आपका अपना सिंग्स मैन। सो आज हम आ चुके हैं जी बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के अंदर दादर के अंदर बहुत बढ़िया लस्सी मिल रही है जी श्री कृष्णा डेयरी फार्म वालों के पास। 80 साल पुरानी, 85 साल पुरानी दुकान है, थर्ड जनरेशन चला रही है इसको। तो चलते हैं अंदर, लस्सी ट्राई करते हैं और दिखाएंगे कैसे बन रही है लस्सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो वेलकम। तो आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम हर्षद राय है। ओके। और ये मेरे छोटे भाई है वैभव राय। ओके ओके। तो आप ये कब से लस्सी सर्व कर रहे हो यहाँ? एक्चुअली ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, अप्रॉक्स 70-80 ईयर्स हो गए हम लोग को। ये हमारा थर्ड जनरेशन। जी हाँ। वाह जी वाह। और शुरू से लस्सी ही बेच रहे हो? हाँ, मीठी लस्सी। सेम जो आज है वो 80 ईयर्स पहले भी यही था, यही सेम टेस्ट, सेम कंसेप्ट, सेम सारा, यही सेटअप, सेफ मीठी लस्सी। हाँ बस, सेम शॉप, सेम चीज, सेम। और ये जो दूध वगैरह है वो सारा आपको खुद का? ये एक्चुअली हमारे एक भाई रहते हैं जलगांव में, तो वही सप्लाई करते हैं। मतलब फैमिली बिजनेस ही आप समझो, वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे। ओके ओके। तो ये सारा अपना ही है, प्योरिटी? जी हाँ, मतलब अपने क्वालिटी मेंटेन। करेक्ट, बस बेसिकली वही है। तो चलिए फिर हमें भी लस्सी टेस्ट कराइए। आप चलिए, क्यों नहीं। आपकी डाउट जी, बढ़िया सी लस्सी लगने तैयार हो गई है। और ये जा रही थी इनकी बर्फ। अच्छा, ये जो ये आपका बर्तन है, ये कौन सा पीने के वो लगे? अच्छा, ये क्या मदानी पूरी फिटिंग जा रही है? हमने सेकंड डाउट जी, ये ऊपर से लगी हुई है इनकी मदानी। आप इस यहाँ पे मुंबई में क्या बोलते हैं उसको? मदानी बोलते हैं। वाह जी वाह। और ये इनकी बढ़िया सी लस्सी तैयार हो रही है। दही चेक करो आप, दही के ऊपर मलाई है और मलाई डाल के देते हैं लस्सी के ऊपर। चेक इट आउट, एकदम बढ़िया जबरदस्त लस्सी तैयार होती है। बर्फ बर्फ डाल के एकदम साफ सुथरे तरीके से है, जबरदस्त। तो ट्राई करते हैं, ट्राई करके स्वाद बताते हैं आपको, स्वाद कैसा है यहाँ का। जी जैसे कि आपको पता है, जय श्री कृष्णा डेयरी में हम आए हुए हैं और यहाँ पे मिलती है जी बढ़िया लस्सी, एकदम जबरदस्त लस्सी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी इनका गिलास, 30 रुपये का गिलास है जी। बढ़िया सा ये मलाई मारी हुई है इन्होंने ऊपर, मीठी लस्सी है। ट्राई करते हैं जी, बहुत फेमस है दादर के अंदर ये शॉप है और बहुत ज़बरदस्त है, 80 साल पुरानी दुकान है। तो देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। तो बॉम्बे घूम रहे हैं तो स्वाद चखना तो हमारा फर्ज है यार। ओह वाह जी वाह, ठंडी ठार। इनका दूध की प्योरिटी है, एकदम दही वगैरह खुद से बना रहे हैं, हर एक चीज़ प्योर कह रहे हैं, 80 साल से हमें सेल कर रहे हैं। और हमारी थर्ड जनरेशन है जो आज इसी काम को आगे बढ़ा रही है और इतनी फेमस है जी। मैंने अभी आपको रश दिखाया होगा, लोग कैसे बाहर निकल रहे थे, अंदर बैठे हैं, अभी भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा दिखा दें, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लस्सी को। बहुत बढ़िया स्वाद है यार, बहुत ज़बरदस्त मीठी लस्सी है जी। ये मलाई देखो पहले तो, कितनी गाढ़ी गाढ़ी मलाई है। मतलब मेरे को ना मलाई वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मेरा पहली बार हुआ है मेरे को किसी चीज़ की मलाई इतनी ज़बरदस्त लगी है ना। और ये मैं मलाई टेस्ट करने वाला हूँ साथ में लस्सी के, पूरा ऐसे एक जबरदस्त सा स्वाद आ रहा है। वाह भाई, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ये वाली मलाई जो होती है ना लस्सी वाली, तो खा के देखियो मज़ा आएगा तेरे को। मैंने पहली बार ट्राई की, बहुत बढ़िया। वाह यार, ठंडी ठार है, गर्मियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है। आओ गर्मियों के अंदर इंजॉय कर सकते हो, दादर के अंदर हो आप अगर तो, या मुंबई आ रहे हो ये वीडियो देख रहे हो, तो दादर में आके ये लस्सी मस्त ट्राई करके जाना श्री कृष्णा डेयरी फार्म वालों की। अगर आपको मज़ा आएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटीड मज़ा आ जाएगा, ठंडी ठार है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जिनको सिखाने पीने की चीज़ें पसंद है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलूंगा किसी नए जायके के साथ किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।